IRCTC ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में कुछ चेंजेस की है, जिससे आप बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा ट्रेन में सीट अवेलेबल है। पहले होता था कि हमें कहीं जाना होता था तो हम सभी ट्रेन को स्टेप बाय स्टेप सर्च करते थे कि कौन सा ट्रेन में सीट अवेलेबल है, बट अभी IRCTC ने कुछ चेंजेस कर दिया है जिसमें आप बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा ट्रेन में सीट अवेलेबल है। और जो ट्रेन में सीट अवेलेबल रहेगा वही आपके सामने में आएगा, और जिस ट्रेन में सीट अवेलेबल नहीं रहेगा वो आपके सामने में बिल्कुल ही नहीं आएगा। सो गाइस, मैं हूँ इंजीनियर राजा और मैं आज आपको ट्रेन में क्या सब फीचर ऐड किया गया है उसको मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम स्पेशल ट्रेन में जाए तो वह स्पेशल ट्रेन का आपका ट्रेन आपके सामने में आएगा, अगर आप चाहेंगे कि हम सिर्फ स्पेशल तत्काल ट्रेन में जाए तो वो आपका ट्रेन आपके सामने में आएगा, वो सर्च करेंगे उस पर आप जो राइट का टिक करेंगे तो वही ट्रेन आपके सामने में आएगा। अगर आप चाहेंगे कि हम सिर्फ एसी वाला गाड़ी मेरे सामने में आए तो सिर्फ एसी वाला आपको ट्रेन आपके सामने में आएगा। अब एक क्लिक करते हैं उसको सर्च करते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि हम स्लीपर में जाए और स्लीपर के जितने गाड़ी है वो आपके सामने में आए तो आप वहाँ पर एक क्लिक करेंगे तो वहाँ पर जितने स्लीपर गाड़ी होंगे नॉन एसी तो वो आपके सभी सामने में आ जाएंगे। आपको मैं जो IRCTC में जो फीचर ऐड किया गया है उसको मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मेरे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा करने की कोशिश कीजिएगा और आप चाहें तो कर भी सकते हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप में कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे और उस ब्राउज़र में आप टाइपिंग कर देंगे IRCTC.co.in तो आपके सामने IRCTC का ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्रेन जो है IRCTC ने यहाँ पे काफ़ी चेंजिंग कर रखा है, तो यहाँ पे आप इसको देख रहे होंगे। मैं पहले लॉगिन हो जाता हूँ, तो अगर आपने IRCTC पे अकाउंट नहीं बनाए हैं तो मैं उस पर वीडियो बना रखा हूँ, वो वीडियो देख के आप बहुत ही आसानी से आप सीख जाइएगा कि किस तरीके से हम IRCTC पे अपना एक अकाउंट क्रिएट करेंगे बनाएंगे। चलिए हम लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन के लिए यहाँ सिंपली लॉगिन वाले पे ओके करेंगे। ओके करते ही अपना यूजर नेम पासवर्ड और यहाँ कैप्चा डाल के इसमें अब यहाँ पर साइन इन हो जाना है, तो अपना यूजर नेम पासवर्ड कैप्चा डाल के यहाँ सिंपली साइन इन हो जाते हैं। साइन इन होते ही देखिए ये मेरा जो है इंजीनियर राजा और मेरा यहाँ पे अकाउंट भी आ चुका है, मैं इस पर लॉगिन हो चुका हूँ। अब यहाँ जैसे आपको कहाँ से कहाँ जाना है, जैसे यहाँ पटना से हमको दिल्ली जाना है तो सिंपली यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं पटना, यहाँ पे दिल्ली, और यहाँ पे अपना डेट चूज कर लेना है कि कौन सा डेट में आपको ट्रैवल करना है, मतलब जाना है। चलिए मैं यहाँ 20 जनवरी 2021 को चूज कर लेता हूँ। यहाँ से अपना जनरल में कोटा लेना चाहते हैं, लेडीज़ या फिर सीनियर सिटीजन है वो, या दिव्यांग मतलब अपंग है वो, या इसमें सब क्लास भी चूज कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थ्री एसी, स्पेशल और स्लीपर, बहुत सारा यहाँ पर है, थ्री एसी की इकोनॉमी, यहाँ पर एसी चेयर का, तो बहुत सारा है इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि IRCTC ने काफ़ी यहाँ पर चेंजिंग कर रखा है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि ट्रेन विथ अवेलेबल, मतलब आप यहाँ पर आपको जो है शो करेगा जो ट्रेन सीट में आप ट्रेन में सीट है वही ट्रेन आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा शो करेगा। तो ये टिक मार्क करने से आपको ये फ़ायदा होगा जो ट्रेन में आपका जो भी ट्रेन में आप सफ़र करना चाहते हैं उसमें सीट है या नहीं वो आपको यहाँ पे शो करेगा, या जितना ट्रेन है जिसमें सीट अवेलेबल है वो शो करेगा। तो इससे यहाँ पे ये फ़ायदा, यहाँ पर दिव्यांग का है कि अगर इसको चूज करते हैं तो दिव्यांग का भी जो ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। और यहाँ पे आपका है फ्लेक्सिबल विथ डेट, यहाँ पे डेट के साथ आपको शो करेगा। तो चलिए यहाँ पे हम सिंपली सर्च वाले पे ओके करके देख लेते हैं कि ये नया फंक्शन है उसमें क्या सब चेंजिंग हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी चेंजिंग कर चुका है IRCTC ने। यहाँ पे आपको पहले ये ऑप्शन शो नहीं होता होगा, बट अब यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी सीट वहाँ पे मैंने जैसे टिक मार करके ओपन किया हो तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका जो ट्रेन में सीट अवेलेबल है तो वो यहाँ पे शो कर रहा है, चाहे आपका ट्रेन यहाँ पे एक ही सीट क्यों ना हो वो भी यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ दो सीट है तो भी अवेलेबल है तो यहाँ शो कर रहा है, इस तरीके से आपको यहाँ दो ट्रेन में सीट है तो यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है, यहाँ पर वेटिंग वगैरह भी आ जाता है इसमें भी आपका सीट अवेलेबल इस ट्रेन में यहाँ पर शो कर देता है। तो इससे ये फायदा है कि जो ये ट्रेन में अवेलेबल है तो वही ट्रेन का जिस ट्रेन में सीट अवेलेबल है वही ट्रेन का यहाँ पर शो करता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे आप राइट साइड लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर में देख रहे हैं कि कुछ आइकन दिया हुआ है यहाँ पे आपको पिंक टाइप का और यहाँ रेड टाइप का। यहाँ पे इसका ये मतलब है कि यहाँ पे मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए कि आपको ये रेड टाइप का है वह स्पेशल ट्रेन का, जैसे जहाँ रेड है यहाँ ऊपर देखिए रेड और नीचे भी आपको यहाँ रेड है तो ये स्पेशल ट्रेन का ऑप्शन है। दूसरा है
कि यहाँ पे स्पेशल तत्काल का है, मतलब अगर पिंक टाइप का है, जैसे नीचे मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए ये स्पेशल तत्काल का है, तो ये ट्रेन सब स्पेशल तत्काल का। अगर मैं वहाँ से उसको अनचेक कर देता हूँ, चेक है मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, तो देखिएगा ये सब जितने हैं सब गायब हो जाएंगे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए पूरे के पूरे गायब हो चुके हैं। ये होता है यहाँ स्पेशल ट्रेन है और स्पेशल तत्काल है, तो ये फायदा यहाँ पे जो हायर सिटीज ने कुछ यहाँ पे चेंजिंग किया है जो काफ़ी बेटर है। इसके बाद यहाँ पर मैं इसको फिर से ला देता हूँ, देखिए टोटल आ चुका है। अब मैं यहाँ पे स्पेशल ट्रेन का है वो गायब कर देता हूँ, स्पेशल तत्काल का, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरे के पूरे यहाँ पे गायब हो चुके हैं। सो ये यहाँ पे चेक मार्क करने का ये फ़ायदा होता है। अब ये मैं चेक मार्क कर दूँगा, ये देखिएगा ये टोटल यहाँ पे आ जाता है। तो चेक मार्क करने से यही फ़ायदा होता है कि आपको यहाँ पे चेक कीजिएगा तो वही ट्रेन यहाँ पे शो करेगा। और दूसरा और तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे देख रखे हैं कि एसी फर्स्ट क्लास, यहाँ पे एसी टू टायर, यहाँ पे सेकेंडिंग, यहाँ पे सेकेंड सेटिंग, यहाँ पे एसी थ्री टायर, यहाँ स्लीपर। तो अगर इसको आप चेक कर रहे हैं तो ये जो आपको स्लीपर होगा जो भी ट्रेन में वो इसमें से हट जाएगा और वही ट्रेन यहाँ बचेगा जो एसी है, थ्री एसी है, टू एसी है, तो सिर्फ वही ट्रेन का यहाँ पे आपका शो करेगा, न कि स्लीपर का। स्लीपर का हमको यहाँ से अनचेक कर दिए हैं तो वो स्लीपर का उस ट्रेन में, जो ट्रेन में आप जाना चाहते हैं उस ट्रेन में आपको स्लीपर बोगी आपको शो नहीं करेगा, सिर्फ एसी वाला डब्बा जो है ट्रेन का वही यहाँ पे शो कर देता है। यहाँ पर देख रहे सिर्फ एसी एसी पे ठीक है तो वही ट्रेन यहाँ पे शो है। अगर हम इसको भी चेक कर देते हैं तो देखिए यहाँ स्लीपर वाला भी ऑप्शन आ जाता है, जो स्लीपर अवेलेबल है ट्रेन में तो वो ट्रेन का भी यहाँ पे आ जाता है। इस तरीके से अगर हम एसी एसी पूरे वाले को हटा देते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको सिर्फ स्लीपर वाले यहाँ पे आ जाता है, जो स्लीपर अवेलेबल है जिस ट्रेन में उस एसी नहीं है वही ट्रेन यहाँ पे आपको शो करेगा। तो यहाँ पे बहुत सारा जो है चेंजिंग कर चुका है IRCTC ने। सो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि आपको कौन सा ट्रेन में जाना है, कौन सा ट्रेन में स्पेशल स्लीपर है, तो यहाँ से आप चेक कर दीजिएगा वही ट्रेन आएगा जिस ट्रेन में सिर्फ स्लीपर है एसी नहीं है। और अगर स्लीपर में आपको नहीं जाना है, एसी में जाना है, तो सिर्फ इसको हटा दीजिएगा और इसको आप चेक कर दीजिएगा तो यहाँ पर जो भी एसी गाड़ी होगा वही एसी गाड़ी का यहाँ पे आपका शो करेगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हो सिर्फ एसी गाड़ी का यहाँ पे आपका शो कर रहा है, तो इस तरीके से इसमें आपको सिर्फ एसी गाड़ी का यहाँ पे आपको शो कर देगा। तो ये बहुत सारा चेंजिंग है कि IRCTC ने किया हुआ है। तो टिक मार्क रहने से आपको यही सब बहुत सारा बेनिफिट मिल जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे अपना जो बुकिंग वगैरह करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे आप बुक वगैरह भी इसको सिंपली आप बुक कर सकते हो। बुक नाउ इस पर क्लिक करिए, यहाँ पे ओके कीजिएगा, आई एग्री पे ओके करके यहाँ से आपका टिकट का फॉर्म ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ से आप बहुत ही आसानी से आप टिकट को बुक कर सकते हो। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ यहाँ पर पेमेंट मोड का भी ऑप्शन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं था। यहाँ पर आपका चार्ज वगैरह चार्ज था यहाँ पर दे रखा है कि आप देख रहे हैं कि नेट बैंकिंग भारत बार कोड और जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से आपको 30 रुपया जो है कन्वर्सेशन फीस लगेगा और प्लस GST। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भीम और UPI से अगर आप टिकट बुक करते हैं तो आपका कन्वर्सेशन फीस जो आपको 20 रुपीज़ लगेगा और प्लस GST। तो इसमें है ना IRCTC ने काफ़ी यहाँ पर चेंजिंग कर रखा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है, वीडियो को आप देखने के बाद आप नीचे कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और नहीं लगा अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस कर लें। मैं इस तरीके का नया नया वीडियो मैं पर डे अपलोड करते रहता हूँ। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि ट्रेन में सीट अवेलेबल है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके नीचे कमेंट कर सकते हैं।